इस बात में कोई भी शक नहीं कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर आप इस्लाम के असूलों पे चलते हैं तो इंसान ना सिर्फ रूहानी पावर हासिल कर सकता है मगर जिस्मानी पावर भी हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला ने माह रमजान की शक्ल में इंसान को ना सिर्फ भूख और प्यास की शक्ल में अल्लाह ताला इंसान का इम्तिहान लेता है मगर इसे जिस्मानी फवायद भी हासिल हो रही हैं। अल्लाह ताला ने माह रमजान का महीना रहमतों का महीना रखा है। इस माह रमजान में ऐसे भी फवायद हासिल हुई हैं कि साइंस देख के हैरान रह गई है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फवायद आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। Let's start the video. Number 1, physical benefits. माहे रमजान में इंसान सुबह से लेके शाम तक भूखा रहता है। इससे इंसान के अंदर एहसास पैदा होता है कि गरीब बगैर रोजे के भी पूरा दिन भूख और प्यास के साथ रहता है जिसकी वजह से गरीब के लिए हमारी हमदर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा रोजा हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक वगैरह से भी हमें महफूज रखता है। वाकई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। नंबर 2, मेंटल क्लैरिटी। रहमतों के महीने में हमारे अंदर वो तमाम टॉक्सिक खत्म हो जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद नहीं होते। दोस्तों इसके अलावा रोजे की हालत में हमारे पेट बर्न होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारी मेंटल क्लैरिटी और हमारा काम पे फोकस और ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 3, इंप्रूव्ड स्लीपिंग। माहे रमजान की वजह से ना सिर्फ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि रोजे की वजह से स्लीपिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ये इसलिए होता है कि जब सिग्नेशन ऑफ मेडिटेशन इम्प्रूव होती है तो इसकी वजह से हमारी नींद की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ओवरऑल रोजा एक सबक का नाम है जिसके असर हमारी जिंदगी पे भी आते हैं और हमारी मेंटल पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर लर्न किया होगा। तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलना। मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दे। जल्दी आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।